घर आंगन और छत्तीसगढ़ राज्य की स्वर्णिम धरोहर पुरखौती मुक्तांगन पर प्रस्तुत है वृत्त चित्र। अग्रसेन महाविद्यालय की जर्नलिज्म के छात्रों ने मुक्तांगन के ऊपर में जो फिल्म बनाई है, मुझे खुशी है इस बात की कि देश का एक ऐसा स्थान जिसको आने वाले समय पर पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व जानेगा, जो अपने आप में एक ट्राइबल कल्चर के ऊपर में अलग प्रकार का ओपन म्यूजियम बन रहा है, उसके ऊपर में आपने फिल्म बनाने का प्रयास किया, आपने फिल्म बनाई। इसके लिए मैं अग्रसेन महाविद्यालय उसके जर्नलिज्म के सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में भी छत्तीसगढ़ के इस प्रकार के जो स्थान है उस पर फिल्म बनाकर और छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया को बताएं, इस बात का मेरा आह्वान है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पुरखौती मुक्तांगन छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग का एक केंद्र है, ठीक है बोलिए। और इस केंद्र के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म छत्तीसगढ़ अग्रसेन महाविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के छात्रों ने बनाया है, ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वालों को और अग्रसेन महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को, स्टाफ को हार्दिक बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 18 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरम और प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर का अनूठा संग्रहालय, जिसे पुरखौती मुक्तांगन के नाम से जाना पहचाना जाता है। पुरखौती मुक्तांगन का नाम सुनते ही हम ये सोचने लगते हैं कि ये है क्या, लेकिन जब हम इसके प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो अनायास ही हम ये कह उठते हैं, अद्भुत, अविश्वसनीय। ये मात्र शब्द नहीं अपितु हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की अद्भुत संस्कृति कला का उत्कृष्ट प्रमाण है। ग्रामीण और जनजातीय लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान और उनके जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों की एक झलक शिल्प कला के माध्यम से, शैल चित्रों के माध्यम से, कला के माध्यम से या फिर कहीं चित्रकारी के माध्यम से, दुर्लभ कलाकृतियाँ अभिलेखों के माध्यम से लोगों को परिचित कराना और इस अमूल्य धरोहर को सहेज कर रखना, ताकि आने वाले समय के लिए नई पीढ़ी इसका महत्व समझ सके। संभवतः इन सारी बातों को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ के जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और पर्यटन मंडल छत्तीसगढ़ शासन ने पुरखौती मुक्तांगन की नींव रखी। आज ये नींव विराट वृक्ष का स्वरूप ले चुकी है, मतलब साफ है कि महज 5 साल में पुरखौती मुक्तांगन ने प्रदेश के साथ साथ देश में भी अपनी एक अलग छवि बना ली है। प्रदेश की संस्कृति, परंपरा, कला, पुरातत्व, भौगोलिक विविधता, पर्यावरण, सांस्कृतिक धरोहर, शिल्पकारी, कला, मेला आदि अनेक धरोहरों को विकास की कसौटी पर खरा उतारने के लिए पुरखौती मुक्तांगन का निर्माण किया गया है। विशाल समतल भूमि पर पुरखौती मुक्तांगन का निर्माण हुआ है, जिसकी अवधारणा छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति को बचाकर रखना है। पुरखौती मुक्तांगन का निर्माण का पहला चरण 2006 में शुरू हुआ। राजधानी रायपुर से 18 किलोमीटर दूर ग्राम उपवारा और नवापारा के बीच स्थित है। ये लगभग 200 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। आज 5-6 वर्षों में ही यह विकास की चरम सीमा पर है। शैशव अवस्था से उठकर यह अपने युवा अवस्था में आ चुका है। छत्तीसगढ़ की परंपरागत संस्कृति में सांस्कृतिक पूरकता, भावनात्मकता, सौहार्दपूर्ण वातावरण, आत्मविश्वास और विकास की दिशा के लिए ये अग्रसर है। जैसे ही हम पुरखौती मुक्तांगन पर पहुँचते हैं, हमें इसका विशाल प्रवेश द्वार बरबस ही नजर आता है, जो अपनी ओर हमें खींच लेता है। एक पुरानी कहावत है जो कि चरितार्थ होती नजर आती है, जिस घर की नींव मजबूत होती है उसकी इमारत भी मजबूत होती है। तो बस यही बात पुरखौती के प्रवेश द्वार पर भी लागू होती है। इसके प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही हमें एक काउंटर दिखता है, जहां पर टिकट घर लिखा हुआ है। पुरखौती मुक्तांगन को देखने आने वाले लोग इस टिकट द्वार से होकर ही अंदर प्रवेश करते हैं।
संस्कृति विभाग के द्वारा परिपत्र में लिखा हुआ है, इस संग्रहालय को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंत्रालय के तहत छत्तीसगढ़ सरकार और संस्कृति विभाग के सहयोग से तेजी से विकास किया जा रहा है। रायपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर ऊपरवाड़ा गांव में लगभग 200 एकड़ भूमि में पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना की गई है और पुरखौती मुक्तांगन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण को प्रदर्शित करना है। इसमें हम आदिवासियों के उत्थान के लिए उनकी जो कार्यशालाएं हैं वो आयोजित करते हैं। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि वहां पर वन औषधि का रोपणी भी लग रहा है तथा बांस प्रसंस्करण का कार्य भी चल रहा है। पुरखौती मुक्तांगन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ये संग्रहालय सुबह 8 बजे खुल जाता है और शाम 6 बजे तक खुला रहता है। प्रवेश द्वार से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारी पलकें छत्तीसगढ़ की कला की मनमोहक प्रस्तुति देखकर स्थिर हो जाती है और उन्हें एक टक निहारने लगती है। पूरे संग्रहालय में छत्तीसगढ़ की अमूल्य और अनमोल धरोहर कला का सीधा साक्षात्कार होता है। जैसे जैसे हम संग्रहालय में आगे बढ़ते हैं, कहीं छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का दीदार होता है तो कहीं पर आदिवासी जीवन की कृतियां नजर आती हैं। बेल मेटल, बांस और मिट्टियों से बनी ये कलाकृतियां हमें अपनी ओर अनायास ही खींच लेती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ छत्तीसगढ़ बाजार, बैगा चौक, छत्तीसगढ़ खंबा, आभूषण पार्क, जहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न आभूषणों की कृतियां समाहित हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती नजर आती हैं। यहाँ पर ये उल्लेख करना लाजमी है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की कला को मान सम्मान और उचित प्रोत्साहन दे इसका पूरा ध्यान रख रही है। लौह शिल्पियों और अन्य शिल्पकारों के लिए कार्यशाला भी यहाँ बनाया गया है, जहाँ पर समय समय पर कार्यशाला आयोजित होती रहती है। कार्यशाला के अलग अलग कमरों की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। इस कार्यशाला और छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध शिल्प कार्य को बढ़ावा देने के लिए, आने वाली पीढ़ी को अपनी कला से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रदेश सरकार इन कलाकारों और शिल्पकर्ताओं की कला को उचित मूल्य मिले इसका भरपूर प्रयास कर रही है। लोक शिल्पियों को उनका उचित सम्मान मिल सके, कला का प्रचार प्रसार हो सके, इसके लिए जागरूक है और समय समय पर उन्हें इसके अवसर भी प्रदान करती है। जैसे ही हम पुरखौती मुक्तांगन के और आगे बढ़ते हैं तो हमें अनेक सुंदर कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। जल पृष्ठीय रंगमंच अनायास ही हमें अपनी ओर खींच लेता है। सोचिए कितना अद्भुत होता होगा नजारा जब जल पृष्ठीय रंगमंच पर लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते होंगे। जनजातीय पारंपरिक शेड, उद्यान गृह, सड़क और जल निकास, लौह शिल्पियों की भित्ति चित्र निर्माण, चार दीवारी निर्माण और छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। इस संग्रहालय को देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और इसका प्रयास भी हो रहा है। ये संग्रहालय शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित हो सके, इस दिशा में छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से कई प्रयास हो रहे हैं और ये विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपनी लोक कला के लिए पहचाना जाता है और लोक कला की बात हो रही है तो लोक नृत्य को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जितने भी लोक नृत्य प्रचलित हैं, उन सभी की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित की गए हैं। इन प्रतिमाओं को देखकर मन में एक संगीत का एहसास होता है और इन प्रतिमाओं के भाव देखकर ये लगता है जैसे हम प्रतिमा नहीं बल्कि सचमुच वही नृत्य देख रहे हैं। प्रदेश की कलाकृतियाँ, विशेषकर आदिवासियों की वेशभूषा, खान पान, लोक नृत्य का सजीव चित्रण पाषाण की मूर्तियों में स्पष्ट देखा जा सकता है। पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय में पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए औषधि खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कुछ एकड़ भूमि पर इनका कार्य भी किया जा रहा है।
औषधीय खेती में नागफनी, सिंदूर का पेड़, अश्वगंधा, ब्राह्मी और औषधि खेती को देखने से मन आनंद विभोर हो उठता है। सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र में औषधि खेती को देखना अपने आप में सुखद अनुभव कराता है। पुरखौती मुक्तांगन के उद्घाटन के अवसर पर 7 नवंबर 2006 को महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने उद्बोधन में कहा था कि मुझे खुशी होगी कि मैं पुरखौती मुक्तांगन के खुले संग्रहालय के उद्घाटन में शामिल हूँ। ये संकुल सांस्कृतिक और विकास योजनाओं की रूप और प्रयोजन और जीवन समुदायों की कला के बीच घनिष्ठ संबंधों की प्रस्तुति के मकसद से विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा, जैव अनुकूलन इतिहास और जैव संस्कृति के समुचित परिप्रेक्ष्य में समुदायों के अवदान का निरूपण कर सकेगा। संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली में छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और निरंतर विकास को दर्शाने वाला एकमात्र गतिशील संग्रहालय है पुरखौती मुक्तांगन। पुरखौती मुक्तांगन संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली में छत्तीसगढ़ के इतिहास को निरंतर विकास को दर्शाने वाला एकमात्र गतिशील संग्रहालय है। सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचार के लिए नवाचार और रचनात्मकता का एक मंच यहाँ लोक कलाकारों को मिलेगा। वास्तव में संग्रहालय हमारी गौरवशाली विरासत को प्रदर्शित करने वाले दर्पण सा है। हमारे पूर्वजों की जीवन शैली और उनकी उन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है जिन्हें हम कभी भूल जाते हैं। संग्रहालय हमें उन सब की याद दिलाता है जो नवतर तकनीकों, नई भाषाओं और नूतन जीवन पद्धतियों के द्वारा मिट चुकी हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम कहां से कहां आ गए हैं, इस आधुनिकता में हम क्या खो रहे हैं। पुरखौती मुक्तांगन इन सब को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र जीवंत संग्रहालय है। बहुत कुछ है देखने को, बस जरूरत है आपके प्यार की, आपके सहयोग की।